सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अर्ली मॉर्निंग हो गई है और हम कलकत्ता की गलियों में गुजर रहे हैं। ये रवि कुमार मौर्य और मेरा दोस्त। तो अभी आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। देखो कैसे यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में मंडियाँ ऐसी लगती हैं, है ना। नीचे रत्तल बिछा के और सब्जियाँ बेचते हैं। और अभी हम जा रहे हैं, अभी मैंने चाय वगैरह पी ली है ना। अब हम जाएंगे थोड़ा जहाँ पे मुझे जाना है, थोड़ा काम है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैं आप थोड़ा घूमूंगा यहाँ पे, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो रवि हाय बोल दे एक बार। कैसा लग रहा है तेरा दोस्त आया इतना टाइम के बाद? I'm too much excited to meet you and finally बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये। चलो आपको और दिखाते हैं। तो गाइस हमारी यहाँ से बस अभी आ जाएगी और यहाँ से बस दो दो मिनटों में मिलती है। और हम अभी जा रहे हैं हावड़ा। हावड़ा से जहाँ मुझे आगे जाना है वहाँ मैं जाऊँगा। और ये देखो यहाँ की सड़कें और इस तरह का नाइट मॉर्निंग का व्यू, नाइट व्यू हो रहा। नाइट में तो आया था मैं और रवि मेरे को चढ़ाने आया और मुझे सारा डायरेक्शन बता रहा था कि मुझे अगर आना हो अकेले अभी आऊँगा तो किस तरह से आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ये इस बस में जाना है? ओ देखो देखो सारा शोले मूवी वाली, अरे वाह, बहुत ज़्यादा विंटेज चीज़ें मेरी नज़र आ रही है मुझे। ये तो बस ये बाबू घाट बस स्टैंड जाएगी। ओके, बसें कितनी डेकोरेशन में है यार यहाँ की ना। ये एक एक पाकिस्तान की बसें होगी और एक कोलकाता की बसें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होती हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखा हुआ है। और पीछे जैसे ना ऑटो वगैरह वाले आ रहे हैं, ये तो बसें वगैरह बहुत ज़्यादा डेकोरेशन में है। नंबर भी लिखा हुआ है और सजा के रखते हैं यहाँ पर बसों को। ये पता है तुझे, एक पाकिस्तान की बसें होगी और एक ये यहाँ बंगाल की बसें होगी। ये पूरा डेकोरेट करके रखते हैं, ये देखो इसको भी येलो तरीके से पूरा डेकोरेट किया हुआ है। मतलब इनका पेंट वैसा ही है और देखने को लग रहा है कि मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। और ये ऑटो वगैरह चल है। हाँ बता बोल। अच्छा ये वाली बस है जो हावड़ा जाएगी हमें लेके, ये सीधा हावड़ा जाएगी, मिनी बस कहते हैं इसे। चलो हम पकड़ते हैं फिर आपको बताते हैं दोस्तों। दोस्तों हम कल कोलकाता की गलियों में घूम रहे हैं। आप देख सकते हो कोलकाता का मॉर्निंग का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। अभी हमने मिनी बस ली हुई है और इसको येलो टैक्सियाँ यहाँ का, तो मतलब कि मेन है यार। अगर आप कोलकाता में तो येलो टैक्सी लग रही है तो आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो ये देखो आप देख सकते हो जो पटरियाँ नज़र आ रही हैं ना रोड के ऊपर, ये है ट्राम की। पर अभी के टाइम पर ट्राम बहुत कम चलती है। गार्डन आ गया है और ये तो स्टेट है। हम देख सकते हैं कितना बड़ा कोलकाता का सबसे इसकी कम से कम 40-50 हज़ार की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की। इसको कहते हैं ईडन गार्डन। ओ माय गॉड, आप देख सकते हो यहाँ से आपको थोड़ा पता लग रहा होगा। एंड हम घूम गए हैं, नहीं तो अदरवाइज में आपको दिखाता अच्छी तरह यहाँ का स्टेडियम का बिल्डिंग है। यहाँ की देख सकते हो कितनी ओल्ड बिल्डिंग है और यहाँ पर मतलब कि जैसे अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंगें बन रखी हैं। देखो कितनी ओल्ड और पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और ये क्योंकि मतलब मेन एरिया ना हावड़ा का, तो इसलिए यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह चेंज नहीं करी हैं। उस एरिया में तो बहुत डेवलप हो गया है और ये एज इट इज़ पुराने टाइम की बिल्डिंग है, वैसी एज इट इज़ बनी हुई है। तो हम आई थिंक मतलब पहुँचेंगे जो ब्रिज क्रॉस करेंगे तो वहाँ से एग्जैक्ट मतलब रेलवे स्टेशन है, तो उसके आगे मुझे जाना है। मैं आपको दिखाऊंगा ये इसको बिल्डिंग आप इंजॉय करो यहाँ की, इसको रेड रेड कलर की ना, दिस ऑल आर द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है ना। ये देखो सब एक जैसे हैं, जैसे अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग है ना वो है। अब यहाँ पे देखो खाने पीने के लिए पकौड़ी वाले तो ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं इसीलिए, तो आप इसको यहाँ से खा सकते हो। और लोग बहुत सस्ता है यहाँ पर यार खाना खुना,
बस की टिकट्स मैं कम से कम एक घंटे का रास्ता से सफ़र कर रहा हूँ, बस की टिकट्स कितनी होगी जो कांट इमेजिन है, 16 रुपये, बहुत सस्ता है यार। आज के टाइम पे भी पेट्रोल इतना महंगा तभी इतनी सस्ती है। मेरे सब बस्ती बोल के ले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार ये बट खान दे मंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नहीं दंदे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली कीड़ा करदा है तंग मेनू दस बल्ली साडे को भी दिखाता हूं हम भी यहां पे सिग्नल पे खड़े हैं और यहां से बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं और ये वो बसेस वगैरह कैसे जा रही हैं यहां की। तो मैंने अभी ओला बाइक करी है तो उसी में अभी मैं जा रहा हूँ। ये दो बसेस कैसे जा रही हैं बसेस साथ में आया हूँ एयरपोर्ट के पास, ठीक है, और अभी वहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो देखो टिकट कितनी छोटी सी मिली है, देख सकते हो बस का यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। भाई साहब यहाँ के बस ड्राइवर बस नहीं चलाते हैं, ये हवाई जहाज चलाते हैं। इसमें आया हूँ, बैंड बजी है भाई मेरी लिटरली अगर बोलूँ मैं, तभी जा रहा हूँ मैं। ये तो बेलागाचिया ये मेट्रो स्टेशन है और इसमें अभी मैं जाऊँगा मैदान। तो इसी इस मेट्रो स्टेशन में देखो दिल्ली वाले में तो मैं बहुत गया हूँ बट इस पर नहीं गया, तो मैं इसमें आपको जाके दिखाता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा। तो इस बार चलते हैं कोलकाता के मेट्रो स्टेशन में फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस होता है हमारा। तो अभी फर्स्टली हम नीचे जाते हैं, वैसे बस में जाने को जा सकता था मैं बस में गया नहीं क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है और आपको दिखाना जरूरी है। तो ये तो इस तरह से है यहाँ की मेट्रो, सबसे पहली इंडिया की मेट्रो ट्रेन है और यहाँ का देखो टिकट काउंटर यहाँ पे। तो लेट्स सी कैसे जाना है और किस तरह से जाना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से निकल रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं लोग, यहाँ से टिकट मिलेगी, टिकट लेते हैं चलो फिर आपको दिखाते हैं आगे। और मुझे लेनी है आई थिंक मैदान जगह का नाम है, वहाँ पे जाना है। मैं मेट्रो टिकट ले लिया, मुझे मैदान जाना, मुझे सदन जाना है। तो सदन जाने के लिए मेट्रो मिलेगी, लेट्स सी कहाँ से और कौन वाली है, नंबर 1 पे जाना है नंबर 2 पे जाना है वो मुझे नहीं पता, तो लेट्स सी देखते हैं। एंड और अभी हम आगे हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे। ये तो लगता है न्यू बनी है, दिल्ली टाइप की है पर थोड़ी ओल्ड है, पुराने टाइप की। तो आप देख सकते हो, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ये लिखा हुआ है मैदान सदन जाना है मुझे ना, सदन जाने के लिए ये देखो मैदान रविंद्र सदन मुझे जाना है, ठीक है जी। 2 नंबर से मिलेगी, देख सकते हो मेट्रो स्टेशन एंड रविंद्र सदन हम जाएंगे। एंड ओल्ड है, यहाँ से वायरिंग वगैरह बुरी हो रखी है, ये आप देख सकते हो ओल्ड है पुराना। दिल्ली का थोड़ा एडवांस है बिकॉज दिल्ली में क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़ा मतलब कि न्यू बनी है, न्यू बनती है तो कोई भी चीज़ वो थोड़ी मॉडर्न तरीके से बनती है और ये इतनी पुरानी है तो इसमें थोड़ा सा यार टाइम तो लग ही जाता है ना। तो पंखी वगैरह देखो लगी है और यहाँ पे मैंने सुना है कि AC नॉन AC दोनों तरह की मेट्रो चलती है। तो नेक्स्ट सी हम देखते हैं हमें कौन वाली मेट्रो चलती है, AC बनती है नॉन AC बनती है। सिर्फ 15 रुपये किराया लगाया मेरी और देखते हैं लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो हमारी मेट्रो आ गई है तो आपको दिखाता हूँ ये AC है कि नॉन AC है। दिल्ली वाली तो आपने बहुत देख रखी है और ये वाली आई थिंक मुझे लगता है ये AC है, ये वाली AC है, नॉन AC नहीं है। नॉन AC वाली जो होती है उसकी खिड़कियाँ ना खुली रहती हैं और इसकी खिड़की खुली नहीं है और ये है AC। तो चलो चलते हैं रविंद्र सदन और ये आई थिंक जाएगी, पूछ तो लिया मैंने, लेट्स गो एंड चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का इसमें चढ़ के। गाइज आप लोग देख रहे होंगे ये सीटें पूरी खाली पड़ी हैं और ये भी खाली पड़ी है बट लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं, है ना, काफ़ी लोग खड़े हैं क्योंकि ये वाली आप देखो महिलाएँ लेडीज़ है तो लेडीज़ है तो मतलब लेडीज़ नहीं भी बैठी है ना तो यहाँ पे कोई नहीं बैठता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की, खड़ा ही हूँ बिकॉज हमें फॉलो करना चाहिए जिस जगह में हमें, है ना। तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो लेडीज़ वगैरह अगर का नहीं है तो खाली है वाली सीट्स। तो मैं ना गलती से बैठ गया था, जो मैंने देखा कि यार कोई बैठ क्यों नहीं रहा, खाली क्यों है, तो मैंने जब पीछे देखा तो महिलाएं लिखा था। आप देख सकते हो मेट्रो स्टेशन गाइस हम पहुंच गए हैं रविंद्र सदन। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, तो अभी अंकल मिल गए थे, इन्होंने सपोर्ट किया मेरे को काफ़ी और ये बता रहे हैं कि अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके मैं एक्साइड मोड़ है, एक्साइड मोड़ से मुझे अभी जाना है H&M। तो H&M अभी जाते हैं वहाँ से और
ये देखो मेट्रो, यहाँ की थोड़ी ओल्ड टाइप की है, दूसरे टाइप की मेट्रो है, आप देख सकते हो। चलो फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक्साइट मोड और उसके बाद फिर आगे का H&M। बहुत ज़्यादा भीड़ है एक्सीलेटर में, तो अभी हम इससे जा रहे हैं, वहाँ से उतर रहे हैं लोग, ये देखो काफ़ी भीड़ है। चलो चलते हैं और चले जाते हैं। तो अभी एक्चुअली दो गेट थे इसके, तो मुझे अंकल ने मुझे गाइड कर दिया कि आप एक काम करो, आप एक नंबर से जाओ, दो दूसरे वाले में मतलब कि दूसरे साइड निकल जाता, पर पहले वाला जो इधर वाला है तो इससे हम मतलब कि एकदम एक्साइट मोड पे आ जाएंगे। तो यहाँ से 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, उतनी मैं अभी कवर करके और नेक्स्ट वहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा, वहाँ से फ्रेंड से की लेनी है, फिर उसके रूम में जाके रेस्ट करूँगा। तो ये देखो ऊपर आ गए हम, ये एक्साइट मोड है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा व्यू यहाँ से, अंधेरे से हम बाहर आ गए। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एग रोल की मेकिंग कैसी होती है। तो ये देखो बड़ी प्यारी तरीके से प्याज से बनाते हैं, ये देखो एक मतलब चिकन रोल भी मिल जाते हैं इसमें ना, एंड इंडियन रोल की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंड ये वाली है एग रोल मेरा बन रहा है, और एक साथ बहुत लोग हैं, कितनी भीड़ है आप देख सकते हो। नाइस यार, लुकिंग डिलीशियस। चलो देखते हैं, वाओ, चलो खाते हैं, रोल पैक हो गया, फिर आपको बताते हैं। सो गाइस ये देखो एग रोल मेरा बन गया, और एग रोल खाता हूँ। ओ हाँ, 2 मिनटों में एग रोल बन गया, टेस्ट ठीक है, जितनी बड़ी दुकान थी उस हिसाब से मुझे इतना काफ़ी लगा, ठीक है, भूख लगी है, खाने लायक है, खा लेते हैं। सो गाइस देखो कितना ट्रैफिक है, मैं अब जा रहा हूँ वुडबर्न स्ट्रीट और चले जा रहा हूँ कोलकाता की गलियों में। ये थोड़ा हाईफाई एरिया है, बहुत हाई प्रोफाइल एरिया, बड़े बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट, उसके बाद आपके होटल्स इसी स्ट्रीट में, बस 500 मीटर की दूरी है जहाँ पे मुझे जाना है। एंड वो देखो काफ़ी ऊँची ऊँची मतलब कॉटन इंडस्ट्रीज है, और उसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह, तो काफ़ी हाईफाई एरिया आप बोल सकते हो। देखो जी बहुत अच्छा, सुभाष चंद्र बोस कॉलेज भी है ये देखो। चलो चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। गाइस फाइनली मैं H&M में आ गया हूँ, आप देख सकते हो पीछे H&M है मेरे, तो अभी चलते हैं H&M के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर जाके H&M का क्या व्यू है। ये देखो एंट्री हो गया, और रवि से एक बार मिलता हूँ मैं, अंदर थोड़ा सा बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। ये देखो हम आ गए हैं H&M, सो यूनिक मिरर जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड ये इमेजेस आप देख सकते हो, लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और रवि भाई साहब आप देख सकते हो, इसकी दाढ़ी बढ़ गई है, एंड ही इज़ लुकिंग अब थोड़ा बहुत, नहीं बहुत ज़्यादा स्मार्ट, अब थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। गुड, वेरी गुड, लेट्स गो, अभी चाय पी के आपको दिखाते हैं, वहाँ जा रहे हैं बाहर चाय पी के। गाइस अभी देखो रात हो चली है, और रात हो चली है ये देखो, और ये ट्राम की पटरियाँ, अब ट्राम बंद हो गई है, बहुत कम चलती है, तो आप देख सकते हो। अब मुझे उस पार जाना है आज़ादगढ़, तो चलते हैं आज़ादगढ़ और ऑटो पकड़ते हैं। अब मैंने आज तो पूरा मतलब कि ना कोलकाता ही घूम लिया है, वो तो ट्राम वहाँ पे खड़ी है, ट्राम वगैरह बहुत रेयर चलती है, बहुत क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास, बहुत फास्ट फास्ट ना आज की लाइफ हो गई है ना, इसलिए लोग लिमिटेड कुछ कुछ चलती हैं ट्राम, वैसे बिल्कुल ही बंद हो गई है। यहाँ पे आई थिंक स्टैंड है ट्राम का, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ और मिल पाता है तो। ये देखो कुछ लोग बैठे हुए हैं ट्राम में, दोस्तों ट्राम एक टाइम है था कि लोग इसी पे डिपेंडेंट थे, और आज के टाइम पे देखो ट्राम कैसी है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। ये देखो इस तरह से लगी हुई है ट्राम, लोग बैठे हुए हैं इसमें, ये देखो जी ये जाती है रोड पे चलती है, ट्रेन है जो रोड पे चलती है, पटरियों में चलती है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपको दिखाना चाहता था इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो फ्रंट से कैसी लगती है ट्राम, ये देखो वो देखो ट्राम बड़ी अच्छी है, देख सकते हो। यहाँ से अब मैं ऑटो लूँगा, तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत कन्फ्यूजिंग शहर है ये, बोला पता नहीं लगता लोगों को, तो ये देखो यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ ऑटो का, जल्दी आ जाएगा, और 2-2 मिनटों में ऑटो मिल जाता है, बस भी ले सकता हूँ, बट ऑटो में जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा आज़ादगढ़। तो गाइस मैं आ गया हूँ इस जगह पे, तो अभी हम चलें आगे की तरफ। ये है मेरा, अच्छा मेरा नहीं मतलब कि यहाँ पर मैंने आना था, मैं दोस्त रहता है इस जगह, बोलते हैं आज़ादगढ़, तो इस बोलते हैं आज़ादगढ़। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ खाने पीने को ले लेते हैं, कल कुछ मिलता है तो चलो आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो गाइस अभी हम पीने लगे हैं चाय, जो कुल्लड़ वाली चाय, वो टेस्टी है भैया की,
तो यहाँ पे भैया मोमोज बना रहे हैं, तो मोमोज खाना नहीं, पेट भरा हुआ है, तो अभी चाय पीऊँगा, तो उस वक्त से घर पे जाके रेस्ट करनी है मुझे, तो अभी चलते हैं घर। और ये तो भैया की शॉप, वो देखते हैं मोमोज वगैरह बनाते हो भैया, क्या क्या बनाते हो तभी इधर आओ बताओ। ये देखो बहुत कॉम्बो ऑफर है, आलू बिरयानी है, अरे बहुत है यार। इनका नाम है रेस्ट्रो एंड कैफे हंग्री होप, जगह है अपनी आजादगढ़ में ये है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। ये देखो देख सकते हो भैया का, मैं दिखा रहा हूँ, बहुत टेस्टी चाय बनाई भैया ने, और बहुत एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है, और कुल्लड़ वाली चाय तो फेमस होती है।